गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी चैप्टर नंबर 2 इन योर हिस्ट्री बुक. द चैप्टर नेम इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम कौन से पीरियड में पढ़ रहे हैं. पहले तो पूरा हमारा, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि 7th का जो हमारा हिस्ट्री है वो 700 से 1700 के बीच का है. तो उसी पीरियड में किस तरह से नए राज्य बने, उनमें नए राजा आए, उसके बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अच्छा लगेगा है ना, राजा और राजाओं के राज्य के बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे वो, क्या क्या उनको परेशानियां फेस करनी पड़ी या कुछ उन्होंने नया किया. तो हम जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, लाइक अ स्टोरी से जानने की कोशिश करना कि किस तरह से एक स्टोरी में कैरेक्टर चेंज होते हैं और आगे बढ़ते हैं. इस तरह से अगर हम इसे हम समझेंगे हिस्ट्री को, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, हमारी लर्निंग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. अदरवाइज थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. तो बोरिंग पोर्शन को छोड़ते हुए एज ए स्टोरी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. मीन्स नई डायनेस्टीज का इमर्ज कैसे हुआ, उनका उदय कैसे हुआ, इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक में हम इसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले तो हम जानते हैं किंग्स को, है ना, जितने भी राजा थे किंग के बारे में सब जानते हैं. अब क्या होता था, जितने किंग थे, सपोज ये उनका राज्य है ना, इस एरिया में उनका राज्य फैला हुआ है. देन वो क्या करते थे, अपने राज्य को कुछ लोगों में उनको हेड बना देते थे. इस पूरे राज्य का हेड तो एक राजा जो है वो ही है, लेकिन इसके इस पार्ट का किसी लैंडलॉर्ड को दे दिया, है ना, इस पार्ट का पूरा राज्य उन्होंने किसी वेरियर चीफ को दे दिया. इस तरह से वो इस तरह से अपने राज्य को डिवाइड कर उस पर शासन करते थे. क्यों, क्योंकि अकेला राजा क्या पूरे राज्य पे शासन कर सकता है, नहीं, उसे भी हेल्प की जरूरत लगती थी. तो वो अपने राज्य को कुछ अपने असिस्टेंट्स में डिवाइड कर देता था, जो कि उसके राज्य को वहां पर संभालते थे. तो किसमें करता था, राज्य जो अपना राजा जो था वो अपने राज्य को लैंडलॉर्ड्स और वेरियर चीफ में संभालता, डिवाइड बांट देता था, और वो उस पर उस पर्टिकुलर एरिया के वो वहां के होलसोल हो जाया करते थे कि इस तरह से वो डिवाइड किया. देन धीरे धीरे ये लैंडलॉर्ड और वेरियर चीफ क्या कहलाते थे, सामंत. सामंत जो थे वो कौन रहते थे, वहां के पावरफुल पर्सन, पर्टिकुलर एरिया के पावरफुल पर्सन को सामंत माना जाता था, जिसको राजा खुद अपने इस एरिया में डिवाइड करता था कि पर्टिकुलर 84 गांव है तो इसका हेड ये है. इस तरह से राजा अपने राज्य को डिवाइड करके उस पर शासन करता था. अब क्या हुआ, सामंत में तो डिवाइड कर दिया, सामंत से राजा को क्या मिलता था, राजा को क्या हेल्प होती थी. तो जो सामंत थे वो राजा को एक तो गिफ्ट देते थे, गिफ्ट ऐसा नहीं कि बर्थडे और एनिवर्सरी पे जो हम गिफ्ट देते हैं उस तरह से गिफ्ट नहीं, ये अपने राज्य का कुछ परसेंट हिस्सा एज ए गिफ्ट, वहां की कुछ स्पेशलिटी, जितनी भी अच्छा उनका जो धन था, वेल्थ था, वहां का जो भी था, उसे एज ए गिफ्ट राजा को देते रहते थे. इसके अलावा मिलिट्री सपोर्ट जो था, इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी मिलिट्री का सपोर्ट है वो किसको मिलता था, राजा को मिलता था. राजा इसके सपोर्ट के कारण एक तो यहाँ से पैसा मिलता था इन्हें, ये यहाँ से सबसे दूर से पैसा कलेक्ट करके उसका कुछ परसेंट राजा को देते थे. उसके अलावा जितना भी मिलिट्री सपोर्ट है वो इन्हीं तरह से लोगों को डिवाइड करके राजा अपने राज्य का हासिल करता था. एज अ मिलिट्री सपोर्ट भी उसे अपने राज्य को डिवाइड करना पड़ता था. तो इस तरह से दो तरह के सपोर्ट उन्हें सामंत से राजा को मिलते थे. मैंने अभी तक दो चीज, तीन चीजें बताई है. किंग अपना किंगडम जो है कुछ पार्ट में डिवाइड करके कुछ असिस्टेंट्स को देता था, उनको कहते थे लैंडलॉर्ड या वेरियर चीफ, इनको ही बाद में सामंत कहा गया. सामंत जो है, सामंत से राजा को गिफ्ट मिलते रहते थे, या फिर सामंत आर्मी में भी सपोर्ट करता था. ठीक है, इस तरह से राजा अपना शासन चलाता था. बट क्या होता था, जैसे ये है यहाँ का सामंत है, धीरे धीरे ये क्या हुआ, पावरफुल होता गया. इसके पास मनी भी है, वेल्थ भी है, एंड मिलिट्री पावर भी है. देन ये सोचता है कि मैं, मुझे तो अच्छा खासा पावर है, तो मैं क्यों किसी के अंडर में रहूं, है ना. तो वो खुद को फ्रीडम चाहता था, खुद की फ्रीडम चाहता था कि ये पर्टिकुलर एरिया मैं किसी के नाम से क्यों चलाऊं, जब मैं खुद शक्तिशाली हूं, खुद पावरफुल हूं.
तो ये जैसे ही सामंत को पावर मिलता था ये क्या बन जाते थे, महासामंत बन जाते थे। और महासामंत मिलते ही ये अपने किंग को ओवरथ्रो कर देते थे, मीन्स किंग से अलग हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे कि ये पर्टिकुलर एरिया है ये अब मेरा ही रहेगा, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो या तो मुझसे फाइट करो, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये एरिया मेरा है। तो सामंत जब पावर मिलता था तो किसमें कन्वर्ट हो जाते थे, महासामंत में, और जो किंग को ओवरथ्रो कर देते थे मीन्स उसकी सत्ता को स्वीकारने से मना कर देते थे, ओवरथ्रो कर देते थे। बट वहां पर भी सिस्टम था कि किसी को भी अगर वो महासामंत बना दे, वहां की जितनी भी लोग हैं, वहां की जो जनता है क्या उसे राजा मान लेगी, है ना, क्योंकि पहले के टाइम पर क्षत्रिय को ही राजा माना जाता था। तो जिस तरह से अगर महासामंत बना, इसका एग्जांपल पहले तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि महासामंत कौन कौन बने हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं राजकूटास। राजकूटास जो चीफ था दंती दुर्गा, वो इसी तरह से वहां का राजा बना था। राजपूत का जो राजा बना था दंती दुर्गा, वो इसी तरह से राजा बना था। कैसे बना था, जो दंती दुर्गा था उसने क्या किया था, वो पहले चालुक्यास जो थे कर्नाटक में, जो चालुक्यास थे उनके अंडर में काम करता था। किसके अंडर काम करता था, चालुक्यास के अंडर में। और कहां पर था चालुक्यास का साम्राज्य, कर्नाटक में। तो जो ये दंती दुर्गा था ये कर्नाटक के चालुक्यास के अंडर काम करता था। जैसे ही दंती दुर्गा के पास पावर आया, इन्होंने चालुक्यास को ओवरथ्रो कर दिया और खुद का नया राज्य बनाया राजकूटास। ठीक है, इस तरह से राजकूटास दंती दुर्गा के पास आ गया। बट ये क्षत्रिय नहीं था, है ना, तो इसने क्या किया, एक रिचुअल फॉलो किया, रिचुअल वहां की एक प्रथा फॉलो की, वहां के जो ब्राह्मण, मैंने इससे पहले भी बताया था कि वहां के ब्राह्मण का बहुत ज्यादा पावर में आ गए थे इस टाइम पर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से बोलकर एक रिचुअल फॉलो करवाया, उसे कहते हैं हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा नाम का एक रिचुअल फॉलो करवाया और जनता को मैसेज दिया, वहां के लोगों को मैसेज दिया कि आप इस रिचुअल को फॉलो करने के कारण मैं क्या बन गया हूँ, क्षत्रिय बन गया हूँ। तो क्षत्रिय होने के कारण मैं राजपूत का राजा हो गया हूँ। तो मिस दंती दुर्गा, दोबारा बताती हूँ, दंती दुर्गा जो थे वो चालुक्यास के अंडर में काम करते थे, चालुक्यास जो कि कर्नाटक का साम्राज्य था, चालुक्यास के अंडर, उसके अंडर काम करते थे। बट दंती दुर्गा पावर मिलने से उन्होंने चालुक्यास के साम्राज्य को ओवरथ्रो कर दिया और खुद का एक राज्य बनाया, स्टेट बनाया राजकूटास के नाम से। बट उन्हें क्या था, क्षत्रिय बनने की वो थी कि मुझे एज अ क्षत्रिय लोग जाने, तो उन्होंने एक रिचुअल फॉलो किया, उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा रिचुअल को फॉलो करके उन्होंने खुद को क्षत्रिय के रूप में एस्टेब्लिश किया ताकि लोग उन्हें राजा की तरह ही मानने लगे। तो ये तो अभी हमने इतनी बात की, बट एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्षत्रिय होना क्या जरूरी था, नहीं क्षत्रिय हो तो प्रजा क्या राजा नहीं मानेगी क्या। तो उसका भी एग्जाम्पल देखने को मिला है कि कुछ लोग थे जो कि क्षत्रिय नहीं थे और उन्होंने जिस कास्ट से वो बिलोंग कर रहे थे उसी कास्ट के थ्रू ही उन्होंने शासन चलाया है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, कदम जो था, कदम्ब जो साम्राज्य था उसके राजा थे मयूर शरणम। मयूर शरणम जो थे वो ब्राह्मण थे, उन्होंने भी इसी प्रोसेस से ओवरथ्रो करके अपने राजा को ओवरथ्रो करके अपना उनका राज्य अधिकार में लिया था और कदम्ब का उनका साम्राज्य बनाया था। ये ब्राह्मण थे लेकिन इन्होंने अपने उसको ब्राह्मण को ही फॉलो किया, क्षत्रिय नहीं बने और एज इट इज राजा बनकर वहां का राज्य किया। दूसरा इसका एग्जांपल है गुर्जर प्रतिहार्य। गुर्जर प्रतिहार्य जो था वहां का राजा था हरिचंद्र। हरिचंद्र जो थे वो भी ब्राह्मण थे, जो कि गुर्जर प्रतिहार्य का राजा साम्राज्य उन्होंने चलाया था वो भी ब्राह्मण थे और उन्होंने भी क्षत्रिय बनना मंजूर नहीं किया। उसकी जगह जो ब्राह्मण थे उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वहां का राज्यभार संभाला। मीन्स ये दोनों ब्राह्मण थे लेकिन राजा बने और अपने साम्राज्य को संभाला, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। सिर्फ ये है कि इनका जो काम था, इनका वर्क था पूजा करना, एज ए ब्राह्मण पूजा का काम रहता था पहले के जमाने में, तो उस कस्टम को छोड़कर उन्होंने हाथ में हथियार उठा लिए लड़ने के लिए और अपने राज्य को सेव करने के लिए। तो ये थोड़ा सा चेंजेस उन्होंने खुद में किया, अदरवाइज उन्होंने कास्टिस में कोई चेंज नहीं किया, जो जिस कास्ट से बिलोंग कर रहे थे उसी तरह से उन्होंने किया। तो अब इस टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर रही हूं मैं
कि पहले के जो राजा थे वो अपने साम्राज्य को कुछ असिस्टेंट्स में डिवाइड करके उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उन्हें कहते थे हम सामंत। सामंत जो थे पावर मिलने के बाद महासामंत बन जाते थे और उस राजा को ओवरथ्रो करके खुद का साम्राज्य एक अलग एस्टेब्लिश कर लेते थे। उसके हमने अभी इसमें दो उदाहरण देखे कि एक तो राजकूटास का था, उसका चीफ था दंती दुर्गा, उन्होंने चालुक्यास को ओवरथ्रो किया और खुद राजकूटा का हेड बन गया था, है ना। और दूसरा इन्होंने क्षत्रिय धर्म के लिए एक यज्ञ किया, रिचुअल फॉलो किया था, इसका नाम था हिरण्य गर्भा। दूसरा था जिन्होंने क्षत्रिय धर्म के लिए कोई रिचुअल फॉलो नहीं किया, ब्राह्मण थे, उसमें थे मेन थे कदंब में मयूरशरणा एंड गुजर प्रतिहार में हरिचंद्र, जो थे इन्होंने ब्राह्मण थे और एज इट इज इन्होंने खुद का राज्य संभाला है, सिर्फ अपने कस्टम पर वही फॉलो करके सिर्फ हथियार उठाकर इन्होंने अपना साम्राज्य संभाला है। तो इस तरह से हमने सिर्फ ये देखा कि किस तरह से नए नए राज्य बन रहे थे और जो पुराने राज्य थे इसमें सामंत महासामंत किस तरह से ट्रेड को चेंज कर रहे थे। अब इससे आगे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हमने देखा कि किस तरह से राजा बने, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। मीन्स राजा तो बन गए हैं, क्या वो अपने राज्य को भी अच्छी तरह से संभाल पाते थे, या संभाल पाते थे तो किस तरह से था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में हम थोड़ा सा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जो राजा बनते थे वो अपने को उपाधि दिलाने में बड़ा बिलीव करते थे। कुछ लोग को कुछ राजाओं को महाराजा अधिराज कहा जाता था, कुछ राजाओं को त्रिभुवन चक्रवर्ती के नाम से उनको उपाधि दी जाती थी। मीन्स जितने भी बड़े बड़े राजा हैं सिर्फ उनको राजा ही नहीं कहा जाता था, एक अलग अलग नाम से भी उनको बुलाया जाता था, किसी को महाराजा या महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब तीनों लोग के नाम इस तरह से उन्हें बुलवाना पसंद था और जनता इस तरह के नामों से उन्हें कई बार संबोधित करती थी। अब बन तो गए महाराजा या त्रिभुवन चक्रवर्ती बन तो गए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभाल पा रहे थे? नहीं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अगेन डिवाइड करते थे। मैंने पहले वाले उसमें भी बताया टॉपिक में कि सामंत में डिवाइड करते थे और काफी कुछ शेयर करते थे अपनी पावर को। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अकेला इंसान पूरे स्टेट को नहीं संभाल सकता, उन्हें भी कुछ कुछ हेल्प लगती थी। तो सामंत में हेल्प वो उन्होंने किया, पीजेंट्स में करा, ट्रेडर्स में, मीन्स इनको रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में राजा वो नियुक्त कर देते थे, अपॉइंट कर देते थे कि आप हमारे खास हैं, देन आप वहां के एरिया के लोगों से रेवेन्यू लेंगे, रेवेन्यू में टैक्स लेंगे और हमें कलेक्ट करके उसका कुछ उसका हिस्सा कुछ परसेंट ये रखते थे और कुछ परसेंट राजा को दिया जाता था। तो इस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। कि रेवेन्यू किस पर लगता था? खेती करने पर, मकान बनाने पर, ओवरऑल जो भी उनकी एक्टिविटीज रहती थी लोगों की उस पर वो टैक्स लगाते थे। हमारी बुक में कुछ राजाओं का इस तरह से उल्लेख है जिन्होंने 400 टाइप के टैक्स उनकी प्रजा पर लगा रखे थे। 400 टाइप्स के टैक्स जो कि वो लोगों पर लगाते थे और उससे कुछ अमाउंट लोगों से लिया करते थे। तो इस तरह से राजा के पास पैसा आता था, ठीक है। राजा के पास जो इतना बड़ा हमें महल दिखता है, इतने पैसे दिखते हैं, कहाँ से आते थे? प्रजा के पास से ही आते थे, वहीं से कलेक्ट करके आते हैं। आज की हमारी सिचुएशन भी यही है ना कि अगर हम सोचें कि हमारे देश का कैसे काम कर रहा है तो क्या मोदी जी अकेले काम कर पा रहे हैं? नहीं, उन्होंने खुद को कई सारी जगह पर डिवाइड किया हुआ है, मतलब खुद के शासन को सेंट्रल लेवल पर अलग, स्टेट लेवल पर अलग और पंचायत लेवल पर अलग, इस तरह से तीनों लेवल में मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पर भी अलग अलग लेवल पर उन्होंने डिवाइड किया था, कुछ सामंत में बांटा था, कुछ पीसेंट से डायरेक्ट थे, कुछ ट्रेडर्स में बांट रखा था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब रेवेन्यू कलेक्टर जो थे वो क्या थे? जैसे सपोज इस बार किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बना दिया, देन वो उसकी हेरिडिटी हो जाता था, मतलब इनके पिताजी थे, देन इनका बेटा भी रेवेन्यू कलेक्टर ही रहेगा, उनका बेटा भी रेवेन्यू कलेक्टर ही रहेगा। इस तरह से उन्होंने वंश के हिसाब से ही वो बना दिया था, जिनका एक किसी जमाने पर एक नाम था उनको एज ए रेवेन्यू कलेक्टर नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया, देन वो चला करेगा, उसमें कोई चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आते थे। तो वो हेरिडिटी होता था, रेवेन्यू कलेक्टर की पोस्ट को हेरिडिटी टाइप से हम मान सकते हैं। देन राजा के पास पैसा तो आ गया, क्या राजा सारा पैसा खुद के पास रख लेता था और खुद के सिंहासन पे रख के सो जाता था क्या? नहीं ना, राजा को भी तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, अपनी प्रजा का ध्यान भी रखना पड़ता था। तो क्या करता था राजा? जो पैसा आ रहा था उनसे बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाना था,
फोर्ट, उनके महल का जो काम है वो करवाता था। इसके अलावा कभी भी वॉर्स वगैरह रहती थी, युद्ध वगैरह होते थे, तो वहां पर जितना भी पैसा लगता था वो राजा को ही देना होता है। तो राजा जनता से पैसा कलेक्ट कर रहा है और बाद में जनता के ही कामों में लगा रहा है। इस तरह का वहां पर सिस्टम चला करता था, जो भी अभी हम लेटेस्ट में हमारे यहाँ पर भी देख लेते हैं, उसके फॉर्म्स चेंज हो गए हैं, बट देखा जाए तो सिस्टम सिर्फ एक है कि लोगों से पैसा आ रहा है और लोगों में ही जा रहा है। पहले भी यही होता था कि लोगों से पैसा आता था और लोगों की भलाई में ही जाता था। बस ये है कि कुछ हिस्सेदारी हर जगह पर हो जाती है, सामंत कुछ परसेंट रख लेते थे, राजा कुछ परसेंट रख लेते थे, इस तरह की हिस्सेदारी एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती थी। अब हम इससे आगे का डिस्कस हमारे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। गुड बाय।